नमस्कार दोस्तों, भगत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो देखिए, पिछले वीडियो में दोस्तों हमने देखे थे 6 पार्ट अपनी कोडिंग डिकोडिंग के। तो 6 पार्टों में हमने प्रत्येक टाइप के क्वेश्चनों का प्रयोग किया था और अब हम देखेंगे आज श्रृंखला परीक्षण। तो यहाँ पर अपन को देखना है श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण यानी कि सीरीज टेस्ट के बारे में देखना है। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंतर्गत आने वाले सभी टाइप्स के क्वेश्चनों का प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ पर वीडियो को प्रारंभ से और एंड तक देखें और जितने भी पार्ट इसके तैयार होते हैं प्रत्येक पार्ट का वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो तभी तरीके से पूर्ण रूप से अपन इस सीरीज टेस्ट को अपन समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले देख श्रेणी जो आती है हमारी, वो होती है यानी कि संख्या श्रेणी। ये अपन पढ़ेंगे सबसे पहले संख्या श्रेणी। तो इस श्रेणी के अंतर्गत अपन की जो भी श्रेणी बनेगी वो संख्यात्मक रूप में दी जाएगी। तो प्रत्येक श्रेणी संख्यात्मक रूप में होगी और इस संख्यात्मक श्रेणी के अंतर्गत अपन को कितने टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने प्रकार की श्रेणियां बनती है, उस प्रत्येक श्रेणी का अध्ययन अपन इसके अंतर्गत करेंगे। तो सबसे सबसे जो पहली अपनी श्रेणी देखने को मिलेगी वो होगी हमारी क्रमांगत पदों का अंतर। क्या होगी इसमें क्रमांगत? नंबर एक अपन देखेंगे क्रमांगत पदों का अंतर। तो यहां पर देखिए, जैसे हमारी श्रेणी के प्रत्येक पद होंगे एक, तो प्रत्येक पद, तो श्रेणी का सिस्टम होता है कि यानी कि किसी भी एक विशेष नियम के द्वारा श्रेणी बढ़ती है। तो यहाँ पर क्रमांगत पदों का अंतर अपन देखेंगे। तो अंतर ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो प्लस माइनस के रूप में अंतर चल सकता है, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में। तो देखते हैं अपन इसके क्वेश्चन। तो अपना क्वेश्चन नंबर एक देखिए, यहाँ पर देखो 20 और 24, तो ये प्रत्येक पद है हमारा किसी निश्चित क्रम से बढ़ रहा है। तो अपन यहाँ पर देखेंगे 20 और 4, यानी कि 20 से अपना बड़ा है +4 का अंतर, इधर 4, 24 और 29 यानी कि +5, इधर हमारे पास हो गया 29 +6 35, इधर हो जाता है +7 और इसमें हो गया +8। तो अंतर हमारा, देखिए अंतर हमारा क्रमांगत रूप से चल रहा है 4, 5, 6, 7, 8। तो अगला अंतर हो जाएगा हमारा +9, तो इसमें अपन 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अगला पद हमारा 59। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर अपना देखिए 12 और 5 17, 17 और 5 22। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर भी 32 और 5 37 और 5 हो गया 42। तो प्रारंभ से और एंड तक यानी कि हमारा अंतर +5 के रूप में है। तो यदि कि 22 में हम +5 जोड़ते हैं तो अपन को होता है 27, और 27 में 5 जोड़ते हैं तो आता है अगला पद 32, यहाँ पर आएगा हमारा 27। इसी तरीके से देखो, यहाँ अंतर प्लस में चल रहा है, यहाँ पर बढ़ते क्रम में चल रहा है, यहाँ पर प्लस समान चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप 32 और 27, तो 32 से अगला जो पद है वो हमारा छोटा है। तो छोटा है यानी कि अंतर हमारा किस में होगा? माइनस में। तो कितना अंतर हो गया, कितना कम है? 5। यहाँ पर देखिए 27 से 23 यानी कि -4। तो देखो -5 -4 23 से हो गया हमारे पास में 20, तो -3। अब आप देखिए अंतर का क्रम जो है हमारे पास घटते क्रम में चल रहा, तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर अंतर क्या होगा हमारा -2। तो यानी कि 20 में से 2 अपन कम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18। देखो 50 50 में यहाँ पर हमारे पास कम कितना हुआ, -5। इधर देखिए यहाँ पर 45 50 से भी 45, यहाँ पर 45 से 40 यानी कि -5, इधर 40 से यहाँ पर -5। तो इधर देखो 35 में से यहाँ पर अपन -5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 30, और 30 में से -5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 25। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अंतर का सिस्टम है, तो अंतर हमारे पास प्लस में हो सकता है, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, और अंतर माइनस में भी हो सकता है। तो ये है हमारी अंतर श्रेणी। तो सेकंड देखेंगे हम श्रेणी में क्रमांगत पदों का गुणा। तो देखिए
यहाँ पर है क्रमांगत पदों का गुणा। तो यहाँ पर देखो पहला पद पांच, पांच से और दस, दस से बीस, बीस से अगला। तो जब भी श्रेणी में पहले पद से अगला पद, अगले पद से दूसरा पद, यानी कि आपको एक तेजी से बढ़ता है, तो एक तेजी से क्रम में बढ़ता है, तो इसका मतलब गुणा का सिस्टम इसमें होगा। तो देखिए यहाँ पर पांच मल्टीप्लाई दो, पांच दूनी दस, दस इंटू दो बीस। अब आप देखो यहाँ पर भी देखो 80 × 2 यानी कि 160। तो गुणा का जो सिस्टम हो रहा है हमारा दो से गुणा हो रहा है, तो अपन इसका दो से गुणा करेंगे तो 20 × 2 यानी कि 40, और 40 × 2 यानी 80 अगला पद अपन को प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए तीन का, तीन दूनी छः, छः का अपना तीन से, और तीन का अपना 18 का अपना चार से, 18 × 4 = 72। तो गुणा करने का सिस्टम दो से प्रारंभ है, दो तीन चार, तो नेक्स्ट हो जाएगा इसमें अपना पांच। तो यहाँ पर देखो 5 × 10 35 और 1 = 37 यानी कि 360 के रूप में हो जाएगा। तो नेक्स्ट अवस्था देखिए, यहाँ यदि अपन ने देखो एक के साथ एक है, एक के बाद तीन है, तो यदि एक का मल्टीप्लाई एक से करते हैं तो एक, एक का यदि अपन तीन से करते हैं तो तीन, तीन का मल्टीप्लाई यदि अपन पांच से करते हैं तो 15। अब आप देखिए 1, 3, 5, तो गुणा करने का सिस्टम हमारा विषम संख्याओं में है, तो 1, 3 और 5 अगला क्रम हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई 7, 15 × 7 = 105। तो इसी क्रम के आगे अपना क्रम होगा, 7 के बाद अपना 9 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 945। देखिए यहाँ पर देखो एक का मल्टीप्लाई यदि अपन 5 से करें तो 5 आए, 5 का यदि अपन 4 से करें, और यदि 20 का अपन किससे करें, 3 से करें, तो 20 × 60, यदि अपन 60 का 2 से करें तो 120। तो यहाँ पर क्रम हमारा घटते क्रम में चल रहा है, गुणा का जो सिस्टम है 5, 4, 3, 2 और अगला हो जाएगा हमारा 1। तो इस तरीके से इसका गुणा 1 से करेंगे तो 120। इस प्रकार से यहाँ पर अपन को अगला पद प्राप्त होगा। तो देखिए नेक्स्ट श्रेणी है हमारी गुणा के साथ अंतर श्रेणी। अब इस श्रेणी के अंतर्गत हमें किसी भी अंक से गुणा भी किया जाएगा और उसके साथ अंतर जोड़ा या घटाया भी जाएगा, तो दोनों नियम इसके अंतर्गत चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3, 7, 16 और ये प्रश्नवाचक 74 और 53 है, तो अपन देखिए कि यहाँ से अगला पद तो 3 से 7 है, यानी कि अपन 3 का गुणा 2 से कर दे और +1 कर दे तो हमारा अगला पद प्राप्त हो जाए। तो दोनों क्रियाएं इसमें एक साथ चलती है। तो आप देखिए 7 × 14 + 2। अब यहाँ देखो 2 से गुणा है, 1 ऐड हुआ है, 7 से गुणा यानी कि 7 × 2 = 14, 2 ऐड हो गया। तो गुणा करने का क्रम लगातार बराबर चल रहा है, लेकिन अंतर हमारा 1 + 2। तो यहाँ पर देखिए यहाँ हमारा सिस्टम हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे, 16 × 2 = 32 और प्लस अपन 3 करेंगे इसके अंतर्गत ऐड, तो कितना हो जाएगा 16 × 2 = 32 और 3 = 35। अब आप देखिए 35 का अगला अपन 2 से गुणा करते हैं, प्लस कितना जोड़ेंगे 4, तो 35 × 2 = 70 और 4 = 74। इस प्रकार से अगला पद अपन को प्राप्त होता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 8, 15, तो 8 का यदि 2 से गुणा कर दे और -1 कर दे, तो 8 × 2 = 16 होता है, और 16 में से -1 करेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका अपन 2 से गुणा कर दे, 15 × 30 और -2 कर दे, तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्रम 2 से गुणा करने का है, -1 − -2, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 28 × 56 और -3 करेंगे तो 53। तो हमारा घटाने का सिस्टम चल रहा है बराबर -1 − -2 − -3 के रूप में, तो यहाँ पर इसका गुणा 2 से करेंगे और -4। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 3 × 6 और 5 × 10 यानी कि 106, और माइनस अपन 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 102, तो यहाँ हो जाएगा 102। नेक्स्ट देखिए यहाँ देखो 3 का अपना 5 से, तो 3 × 6 − 1 = 5, यहाँ पर 5 × 10, 5 × 10 और 2 = 12, यहाँ हो गया अपना 2 = 12 हो गया, तो
सॉरी, यहाँ पर सिस्टम बनता है हमारे पास में, देखिए दो है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर तीन, तीन का गुणा अपन एक से करेंगे प्लस से दो करेंगे, तो तीन एकम तीन, तीन दर दो पांच, यहाँ पर पांच दूनी दस, दस और दो बारह। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणा हो जाएगा हमारे पास बारह या छत्तीस, छत्तीस और उसके बाद में यहाँ पर प्लस हो गया दो। यहाँ पर देखिए हमारा गुणा करने का सिस्टम बढ़ रहा है एक दो तीन, यहाँ पर देखो इंटू हो जाएगा हमारे पास में तीन के बाद चार और प्लस हो जाएगा हमारे पास दो। अब अपन को यहाँ करना है गुणा, अपन को पाँच करना है प्लस अपन को दो करना है। तो यहाँ देखिए पाँच से अपन इसको गुणा करेंगे तो बीस, तो पच्चीस सत्ताईस और पाँच एकम पाँच और दो सात, तो 770 में यदि अपन दो जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 772। देखिए तो 6 से 13, तो 6 गुणा 2 करेंगे, 6 दूनी 12, 12 और 1 13। इसमें अपन ने किया 13 दूना 26 माइनस 1, तो प्लस 1 और माइनस 1 का सिस्टम है, तो 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 1 51, इसका सिस्टम है अपने पास गुणा 2 और जो 51 और माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा सिस्टम है एक बार प्लस है एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो अब अपन गुणा करेंगे 2 से और प्लस करेंगे 1, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 202 और 1 203। तो इस प्रकार दोस्तों गुणा के साथ अंतर श्रेणी होती है। तो नेक्स्ट श्रेणी अपन देखते हैं, तो देखिए ये है अपनी वर्ग श्रेणी, तो वर्ग श्रेणी के अंतर्गत अपन को वर्ग की श्रेणी अपन को प्राप्त होती है। तो देखिए जैसे 1, 4, 9, तो अपन ने यहाँ पर देखा, देखो 1 का वर्ग है ये, 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। तो अपन ने देखा कि यहाँ पर 1, 2, 3 तो क्रम से स्क्वायर चल रहा है, तो अपना यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब आप देखिए यहाँ पर अपन को ये स्क्वायर संबंधित क्रियाएं अपने दिमाग में होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखो ये कितने का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, ये अपना 10 का स्क्वायर है और ये अपने पास में 8 का स्क्वायर है। तो अब आप देखिए 12 से 10, 10 से 8 यानी कि 2 क्रम के रूप में चल रहा है, घटते क्रम में चल रहा है, तो यहाँ पर अगला अपने पास किसका आना चाहिए, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36। तो 6 के बाद देखो 2 कम आ गया 4 का, 4 से 2 कम आ गया 2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए सर, अब ये तो हमारे पास एक स्क्वायर संबंधित जो कि डायरेक्ट संख्याओं का वर्ग श्रेणी के रूप में अपन को दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए अपने पास तो यहाँ पर वर्ग और वर्ग के साथ अंतर वाला रूप भी अपन को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर अपन जैसे 2 का स्क्वायर करें प्लस 1 करें तो अपने पास 5 हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए 2 है 2, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। अब आप यहाँ पर देखो सब 4 चौकू 16 और प्लस 1, यहाँ पर अपने पास 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1, यहाँ पर देखो 8, 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64 और प्लस 1। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ, फिर 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10, तो यहाँ पर होगा हमारे पास 10 का स्क्वायर और प्लस 1, तो 10 का स्क्वायर होगा हमारे पास 100 और प्लस 1 करेंगे तो 101। तो अपन को यहाँ का जो अपना क्रम है वो आएगा अपना 101 के रूप। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्रम देखो, यदि अपन यहाँ पर 0, 1 का स्क्वायर करें और माइनस 1 करें तो अपने पास क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर करें प्लस 1 करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 1 है यहाँ पर प्लस 1 है। यहाँ पर देखिए अब देखो 3 का स्क्वायर है तो माइनस 1, तो यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होगा और माइनस 1 करेंगे तो 8 होगा, तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 होगा हमारे पास, तो इसी तरीके से यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 1 होगा
अब अपन करेंगे यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। तो इस तरीके से ये अगला जो पद है अपन को 37 के रूप में प्राप्त होगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट श्रेणी। तो देखो अब अगली श्रेणी अपनी घन श्रेणी के रूप में, तो यहाँ पर देखिए पिछली श्रेणी अपनी वर्ग थी, यहाँ पर घन है, तो अपन देखेंगे यहाँ पर 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का और ये 5 का। तो अगला क्रम अपन को प्राप्त हो जाएगा 6 का घन यानी कि 216। क्या देखिए दोस्तों ये 512 घन, ये 343, तो 512 किसका घन है यानी कि 8 का घन, ये हो जाएगा हमारे पास 7 का घन, ये है अपना 6 का घन, ये 5 का घन। तो यानी कि हमारे पास ये जो अवस्था है घन की ये घटती क्रम में चल रही है 8, 7, 6, 5 के रूप में। तो अगला क्रम होगा हमारे पास 4 का घन, तो 4 का घन अपने पास हो जाएगा 64। अब ये तो हमारी सिंपल श्रेणी घन के रूप में चलती है और इसके साथ अंतर का रूप भी अपन को प्राप्त हो सकता है। तो जैसे अपन देखिए यहाँ पर यहाँ अपने पास यानी कि 0 है तो 1 का घन अपने पास में हो गया 1, और माइनस यदि 1 कर दें हमारे पास में तो 0 हो जाए। अब यहाँ पर अपने पास अगला क्रम 2 का घन होता है हमारे पास में 8, और माइनस 1 कर दे तो कितना आ जावे 7। इधर हमारे पास 3 का घन होता है 27, माइनस 1 कर दे तो 26। तो ये 4 का घन हो गया माइनस 1 हो गया 4 का घन हो गया सॉरी यहाँ पर ये है 63, तो 4 का घन हो गया 64 माइनस 1 हो गया 63, ये हो गया 5 का घन 125 माइनस ये हो गया अपना 124। अब अगला क्रम होगा हमारे पास 6 का, तो और 6 का यदि अगला क्रम अपन 6 का करेंगे तो 6 का घन माइनस 1 करेंगे तो 216 होता है, और 216 माइनस 1 करेंगे तो 205। तो इस प्रकार घन श्रेणी का रूप अपन को दिखाया जाता है। तो अगली श्रेणी हमारी जटिल श्रेणी। अब आप देखिए दोस्तों जटिल श्रेणी के अंतर्गत अपन को कुछ ही क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन इसकी क्रिया जिस नाम के अनुरूप चलती है जटिल है, तो इसका कार्य भी जटिल ही चलता है। तो अपन देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखो 3, 5, 8, 13, 21, 7, 2, 9, 11, 20, 31। तो यहाँ पर देखिए अपने पास भी यहाँ सिस्टम ये चलता है कि 3 और 5 है, 3 और 5 को यदि अपन जोड़ दें तो अगला पद अपन को मिल जाए 3 और 5, 8, और 8 को और 5 को इधर अपन जोड़ दें तो अगला पद हो जाए 13, यानी कि दो पदों को जोड़ने पर अपन को अगला पद प्राप्त होता है। तो अब आप देखो 13 और 8 कितना हो गया 21, अब अपन जोड़ेंगे 21 को और 13, तो 21 को 13 को अपन जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 और 1, 4 और 2 और 1, 3, तो यहाँ हो जाएगा अपन को 34। तो यहाँ इस श्रेणी में क्या होता है कि प्रत्येक दो पदों के साथ क्रिया की और अगला पद आया, फिर पहला पद अपन को छोड़ दिया 5 और 8, 13 हो गया, तो 5 छोड़ दिया, 8 और 13, 21, 8 छोड़ दिया, फिर अपन को 13 और 8, 13 और 21 दोनों का योग करना है 34। तो इसी तरीके से देखिए हम 7 और 2 इन दोनों को अपन ऐड करें यहाँ पर 9 हो गया, 9 को और 2 को ऐड करें तो अपना 11 हो गया, और 11 और 9 को ऐड करें तो 20 हो गया, और 20 को और 11 को ऐड करें तो अपना कितना हो गया ये 31 हो गया। अब हमारी बारी है 31 को इसको अपन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 51। तो यहाँ देखिए वही अपना योग का सिस्टम है, दो पदों को जोड़कर अगला पद अपन को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो 7 और 2, 9 ये छोड़ो, 9 और 2, 11 ये छोड़ दिया हमने, और 11, 9, 20 ये हो गया, तो 20 और ये हो गया 31, इसको छोड़ दो। अब 20 और 31 की बारी दोनों का योग कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो देखिए इसमें क्रिया जैसा जटिल काम है वैसा, जो पिछले अपने क्वेश्चन देखे उनके अनुसार कोई जरूरी नहीं है कि इसमें इस तरीके की क्रिया अपने पास होती है। तो यहाँ देखियो 77 से 49, 49 से 36, 36 से 18, और नेक्स्ट अपना रिक्त है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ये 77 है, 77 में 2 अंक हमारे 7, यदि इनको आपस में वो गुणा कर दे 7 और 7 का
मल्टीप्लाई कर दे तो अगला पद आ जाए 49, 7 7 49, और 9 को और 4 को अपन मल्टीप्लाई कर दे तो 9 4 36, 6 को इसको गुणा कर दे तो 6 3 18। तो इसी तरीके से अपन 8 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 0 8 या 8 के रूप में। तो इस प्रकार से ये जटिल श्रेणी के अंतर्गत अपने क्वेश्चन प्राप्त होते हैं। हाँ, तो ये अपनी एकांतर श्रेणी। तो एकांतर श्रेणी में दोस्तों एक से अधिक श्रेणी हमारी एक साथ चलती है, यानी कि एक के अलावा दो भी श्रेणी हमारी एक साथ हो सकती है। और अब तक जितनी सारी अपन ने नियम से अपन देख रहे हैं तो किसी भी नियम की श्रेणी इसमें चल सकती है, अंतर की गुणा के साथ अंतर की कोई भी क्रम से प्राप्त हो सकती है। तो अब अपन देखिए यहाँ पर एक अंतर का मतलब होता है एक का अंतर लेते हुए अपन क्रिया करनी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे अपन ने यहाँ पर देखा कि लगातार जब पदों की अपन तुलना करेंगे तो लगातार पदों की तुलना के अंतर्गत हमारी श्रेणी का जो सिस्टम है वो नहीं बन पाता। तो यहाँ पर अपन को देखना होगा, देखो 23 की क्रिया हमारी 27 से एक अंतर, एक छोड़ दिया हमने, 27 की 31 से 31 की ये क्वेश्चन। तो जैसे अब अपन को पता चला कि इसमें दो श्रेणी चल रही है तो जिस श्रेणी का जो सिस्टम हमारा प्रश्नवाचक पर पहुंचता है, जिसकी तुलना प्रश्नवाचक पर पहुंचती है, उसी श्रेणी से हमें क्रिया करनी है। तो अब अपन देखिए कौन से रूप वाली श्रेणी चल रही है। तो देखो 23 और 4, 27 27 और 4 31। अब अपन ने देखा दोस्तों इसमें अंतर वाली श्रेणी है और अंतर हमारा 4 के रूप में, प्लस 4 27 27 4 31। तो इसमें भी अपन 4 जोड़ेंगे, 31 और 4 अगला पद आ जाएगा कितना हमारा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखो इस तरीके का, तो एक की क्रिया हमारी 2 से, 2 की 4 से, 4 की 8 से, 8 की 16 से और 16 की क्वेश्चन मार्क। तो अपन को यहाँ पर इसी श्रेणी से तुलना करनी है, बाकी दूसरी जो श्रेणी जो कंप्लीट है उससे अपन को कोई भी क्रिया नहीं करनी है, उसको छेड़ना नहीं है अपन को। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस 1, 2 में इसमें अपना 2 और यहाँ पर 4 में कितना हो गया 4, ये हो गया 8। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ जो इसका अंतर 1, 1 से अपना 2 दूना हुआ, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ। तो अंतर का जो सिस्टम किसमें चल रहा है, 2 गुने क्रम में। तो अपना अगला क्रम क्या हो जाएगा यहाँ पर 16, और इस 16 में अपन 16 जोड़ेंगे तो अपना अगला पद आ जाएगा इसमें 32। तो देखिए अगला है, अब यहाँ पर देखिए 15 की गणना अपने 30 से, 30 के 7 से 7 की है। तो यहाँ अपन को देखना है कि 15, तो यहाँ पर 2 गुना हो रहा, देखो 15 गुना 2 करें अपन, 15 गुना 30, 30 का 2 गुना करें 60, तो 60 का 2 गुना कर देंगे अपन कितना हो जाएगा 120। चल देखिए 11 की 20 से, 20 की प्रश्नवाचक, इसकी 74। तो ये श्रेणी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है और अपन का प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये श्रेणी की तुलना होती है। तो अपन को इसी का क्रम याद करना है। तो देखिए यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी चल रही है, इसका गुणा 2 से करें, माइनस 2 करें, 11 दूना 22 माइनस 2 20, 20 का अपन 2 करेंगे, 20 दूना 40 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 38। अब देखो 38 का अपन 2 से गुणा करेंगे, माइनस 2 करेंगे, 38 दूना 76 होता, माइनस 2 करेंगे तो 74 होता। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी सबसे पहली जो श्रेणी थी हमारी थी संख्या, संख्या श्रेणी के अंतर्गत हमारी इतनी प्रकार की ये श्रेणियां बनती है। तो इनको ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमारा पहला जो टाइप्स है वो समाप्त होता है, और अगली जो अगले वीडियो के अंतर्गत अपन को अगली जो श्रेणी है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो वीडियो अपना पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करना, और अपनी चैनल को अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना जय हिंद।